इंद्री अनाज मंडी में पिछले दिनों से गेहूं की आवक कम हो चुकी है, लिफ्टिंग की थोड़ी समस्या है, उसको भी जल्द दुरुस्त किया जा रहा है। डीएफसी और हैफेड की दोनों एजेंसियों को आदेश दे दिए है कि मंडी में लिफ्टिंग की वजह से किसान आढ़तियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। पिछले साल से अब की बार गेहूं की कम आवक हुई है, ओलावृष्टि का भी फसल पर काफी असर पड़ा है। सर क्या स्थिति है मंडी में? मंडी में आवक तो पिछले दिनों से काफी कम हो चुकी है अब, और आज तक की जो हमारी आवक है गेहूं की, तीनों मंडियों की, इंद्री, ब्यान्ना और गढ़ी बिरबल, 6,04,000 क्विंटल की परचेज खरीद हो चुकी है, जिसमें दो एजेंसी फूड सप्लाई और हैफेड की खरीद चल रही है, और जिसमें से 3,22,000 क्विंटल का उठान हो चुका है। ये करंट की पोजिशन है, और हम उम्मीद कर रहे थे सीजन शुरू होते ही कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा आवक होगी गेहूं की। पिछले साल 8,00,000 क्विंटल आई थी यहाँ, और लेकिन जैसे अब मंडी में आवक कम हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों में 19 तारीख को जो एकदम अचानक ओलावृष्टि हुई क्षेत्र में, उससे काफ़ी किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ, और उसका फर्क पड़ेगा, आवक कम रहेगी। जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन थी भी इतनी पिछले साल से ज़्यादा आएगी, वो नहीं लग रहा है, और देखते हैं अब कितने दिन और चलता है सीजन। बाकी जो भी मंडी में आ रही है फसल, वो बिल्कुल ठीक तरीके से बिक रही है किसानों की, किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उठान को लेकर के थोड़ा सा है इशू, क्योंकि अभी पीछे पीक सीजन था पूरा, और उठान हो रहा है, फिर भी दोनों एजेंसियाँ अपना उठान कर रही हैं, और जिस भी आढ़ती को या कोई दिक्कत होती है वो हमसे संपर्क करता है, हम उसकी जो भी यथासंभव हेल्प करते हैं, और गाड़ियां, ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्टर को कह करके दिलवाए जा रहे हैं, और उठान का कार्य ठीक चल रहा है। जो डीएफएससी है, डीएफएससी एजेंसी के द्वारा 3,03,553 क्विंटल की खरीद हुई है, और हैफेड के द्वारा 3,03,844 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से उठान जो है डीएफएससी का उठान 1,49,515 क्विंटल का हो चुका है, और हैफेड का उठान 1,72,968 क्विंटल का उठान हो चुका है। ओवरऑल 53%, तीनों मंडियों का हमारा 53% जो है उठान हो चुका है, जितनी खरीद एजेंसियों के द्वारा की गई है अब तक। तो लोडिंग को लेकर के, लोडिंग को लेकर के मेरी सुबह भी बात हुई थी जो इंस्पेक्टर फूड सप्लाई है संदीप जी, तो रोड मूवमेंट में भी कुछ माल जा रहा है, और कुछ लोकल जो स्टोरेज है उसमें भी जो है लग रहा है माल यहाँ पर, और वो शायद स्पेशल भी आएगी कल या परसों में, स्पेशल में भी माल जाएगा, इसीलिए स्थिति नियंत्रण में है, और आवाजाही बिल्कुल सुगम है मंडी के अंदर, कोई जाम की स्थिति नहीं है। तो जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है उससे क्या फर्क पड़ा है थोड़ा? जी, बहुत फर्क पड़ा है आवक पे, बहुत फर्क पड़ा है। आवक जो है मंडी में गेहूं की एकदम टूट सी गई है, और इसमें काफी नुकसान हुआ है किसानों का। तो पिछले साल की बात करें, अगर अब की साल की बात करें, उसकी तुलना करें तो कितना फर्क पड़ा है, कितना आप मानते हैं? जी, पिछले वर्ष यहाँ पर हमारी तीनों मंडियों में, इंद्री, ब्यान्ना और गढ़ी बिरबल में 8,00,000 क्विंटल की जो है खरीद हुई थी गेहूं की, और इस बार हम उम्मीद कर रहे थे भी 10-15% अधिक रहेगी, लेकिन इस बार हमें लगता है कि कम रहेगी, पिछले साल से 10-15% कम ही रहेगी। ओलावृष्टि पड़ने से यानी कि कम, बहुत ही कम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल, काफी फर्क पड़ा है। तो जिस तरीके से अंतिम चरण में है, जी जी, तो क्या करते हैं? बस अब मैं आढ़तियों से भी यही है मेरा कि व्यवस्था को बनाए रखें, और उठान हो जाएगा, चल रहा है उठान, और अब तो वैसे भी सूखी आ रही है, कोई गीली का एक्सेस मॉइस्चर का तो इशू है नहीं, और बिल्कुल अपना धैर्य बनाए रखें, और जो है एजेंसियों को बार बार इसके लिए बोला जा रहा है कि इसको जो भी आढ़तियों के पास जो पुराना स्टॉक है, पुराना जो खरीदा जा चुका है, पहले उसका उठान करें, और ताकि किसानों के खाते में जल्दी उनकी जो अदायगी है उनको मिल सके। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।